Hail India students, hope you all are doing good. Stay at home and stay safe. Today, we will learn about curved lines pattern. Aaj hum curved lines pattern ke baare mein seekhenge. As standing, sleeping and slanting lines, curved lines also help us in writing some of the numbers as well as letters. Standing, sleeping or slanting lines ki tarahi, कर्व लाइंस भी हमें कुछ नंबर्स और लेटर्स को लिखने में मदद करती है देअ डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व लाइन्स कर्व लाइंस अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि अपवर्ड कर्व डाउनवर्ड कर्व कर्व टू लेफ्ट, कर्स टू द राइट एंड ज्वाइनिंग कर्व डाउनवर्ड कर्व हेल्प अस इन राइटिंग नंबर टू डाउनलोड कर्व हमें नंबर टू को लिखने में मदद करती है यू कैन सी द ऑरेंज लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग डाउनवर्ड कर्व यहाँ पर आप ऑरेंज रंग की एक लाइन देख सकते हैं जो की डाउनवर्ड कर्व को दर्शा रही है यू कैन सी डाउनवोड कर्व इन रेनबो अम्ब्रेला पैराशूट एंड इन है क्लिप अपव कर्वस अपव हेल्प पर्स इन राइटिंग सम ऑफ द लेटर्स लाइक जे एंड यू अपव कर्व्स हमें कुछ लेटर्स जैसे कि जे और यू को लिखने में मदद करती है हियर आई हैव यूज ब्लू कलर टू रिप्रजेंट अपव कर्व यहाँ पर मैंने अपवर्ड कर्व्स को दर्शाने के लिए नीले रंग का यूज किया है यू कैन सी अपवर्ड कर्व इन बॉल एंड इन वॉटरमेलन स्लाइसेस नेक्स्ट इज राइट साइड कर्व्स राइट साइड कर्व्स हेल्प अस इन राइटिंग सम ऑफ द नंबर्स लाइक सिक्स एट नाइन एंड लेटर्स लाइक सी जी एंड एस राइट साइड कर्व्स हमें कुछ नंबर और लेटर्स लिखने में मदद करती है हेयर आई हैव पिंक कलर टू रिप्रेजेंट राइट साइड है यहां पर मैंने राइट साइड कर्व को दर्शाने के लिए पिंक कलर का यूज किया है यू कैन सी राइट साइड कर्व्स इन कैश्यू बनाना एंड इन ट्रीसेंट शेप्ड मून next is left side curves left side curves help us in writing some of the numbers like 3 5 6 8 and letters like b d p r and s left side curves bhi hume kuch numbers aur letters ko likhne mein madad karte hai. here i have used green color to represent left side curves यहां पर मैंने लेफ्ट साइड कर्व्स को दर्शाने के लिए ग्रीन कलर का यूज किया है यू कैन सी लेफ्ट साइड कर्व इन डोर हैंडल्स नेक्स्ट इज ज्वाइनिंग कर्व्स। ज्वाइनिंग कर्व्स हेल्प अस इन राइटिंग सम ऑफ द लेटर्स लाइक क्यू एन ओ एंड नंबर लाइक जीरो ज्वाइनिंग कर्व्स हमें कुछ लेटर्स जैसे कि क्यू और ओ को लिखने में और नंबर जीरो को लिखने में मदद करती है इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ चाइल्ड टू ट्रेस कर्व लाइन पैटर्न किसी भी बच्चे के लिए कर्व लाइन पैटर्न को ट्रेस करना आसान नहीं होता है योर चाइल्ड कैन ईजिली ट्रेस स्ट्रेट लाइन्स लाइक स्टैंडिंग स्लीपिंग एंड स्लांटिंग लाइन्स बट ट्रेसिंग अ करव लाइन इज अड टिफिकल्ट फॉर योर चाइल्ड आपके बच्चे के लिए स्ट्रेट लाइंस को ट्रेस करना आसान होता है लेकिन कर्व लाइंस को ट्रेस करना उनके लिए जरा मुश्किल होता है देर आर सम पॉइंट यू शुड of। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए फर्स्ट थिंग यू शुड नो रेड कलर एक... के डॉट कहा लगेंगे प्लस यू हैव टू पुट सम मोर डॉट्स विद स्केच और पेंसिल टू मेक इट इजी फॉर योर चाइल्ड टू ट्रेस कर्ड लाइन पैटर्न इसके अलावा आपको अपने बच्चे के लिए पैटर्न को ट्रेस करने के लिए पेंसिल या फिर किसी स्केच से कुछ और डॉट्स लगाने होंगे बिकॉज इट इज नॉट इजी फॉर अ चाइल्ड टू ट्रेस द कर्व लाइन पैटर्न इन जस्ट वन स्ट्रोक क्योंकि आपके बच्चे के लिए कर्व लाइन को एक ही स्ट्रोक में ट्रेस करना आसान नहीं होता मेक श्योर द डॉट्स यू आर पुटिंग विद पेंसिल और स्केच शुड बी अ लिटल बिगर देन द गिवन डॉट्स ध्यान रखें कि आपके द्वारा पेंसिल और स्केच के साथ लगाए जाने वाले डॉट्स दिए गए डॉट से थोड़े बड़े होने चाहिए आफ्टर दैट आस्क योर चाइल्ड टू पुट द ऑन ग्रीन डॉट एंड आस्क योर चाइल्ड टू ड्रैग इट टू द नेक्स्ट डॉट इन दिस वे योर चाइल्ड इजली रीच द रेड डॉट बाय ज्वाइनिंग ऑल द डॉट्स ड्रॉन बाय यू अपने बच्चे को कहिए कि वो अपना क्रियन ग्रीन डॉट पर रखे और उसके बाद उसे कहिए कि वो अपने क्रेन को खींचकर नेक्स्ट डोर तक ले जाए इस तरह से वो रेड टोर तक आसानी से पहुंच जाएगा उन सभी डॉट्स को मिलाते हुए जो आपने उसके लिए ड्रॉ किए हैं वन इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड इज दैट योर चाइल्ड शुड ड्रैग द क्रेन फ्रॉम ग्रीन टू रेड डॉट बिकॉज ग्रीन कलर रिप्रेजेंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड रेड कलर रिप्रेजेंट एंडिंग पॉइंट आई होप This session has helped you a lot to learn about curved lines pattern. Thank you.